हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने जाने वाली हूँ सेवन स्टैंडर्ड का फोर्थ यूनिट का सेकंड चैप्टर 4.2, दैट इज उनके मुनके टिम्पे 2। एक्सप्लेनेशन के साथ यू विल बी गेटिंग आंसर्स आल्सो। आंसर्स लिंक आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर यू कैन फाइंड द आंसर्स आल्सो। तो दिस एक्सप्लेनेशन आई विल बी डूइंग यू लाइन बाय लाइन। देर आर मेनी पंक्चुएशन सेंटेंसेस इन दिस चैप्टर, तो वो पंक्चुएशन सेंटेंसेस भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ कॉन्वर्जेशन है इस चैप्टर के अंदर, वेयर अ कॉन्वर्जेशन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन टू फ्रेंड्स एंड मिसेस ग्रोवर, वन टीचर इज देयर, उनके बीच में और बच्चों के बीच में कॉन्वर्जेशन होता है। इसीलिए ओपन इन्वर्टेड क्लोज इन्वर्टेड कॉमास यूज किए गए हैं। दैट मीन्स आपको पंक्चुएशन मार्क्स पे यहाँ पर अच्छा खासा ध्यान देना है इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर से उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। उनके मुनके टिम्पे 2 जो है लिखा गया है सिरगुन श्रीवास्तवा से, सिरगुन श्रीवास्तवा द्वारा लिखा गया है, और ये सम मोर शॉर्ट स्टोरीज नाम की एक बुक है जो इन्होंने लिखी है, उस बुक से ये लिया गया है बाय सिरगुन श्रीवास्तवा। तो मैं शुरू करती हूँ उनके मुनके टिम्पे 2। इट विल बी अ फैंटास्टिक बर्थडे दिस ईयर, आई सेड इन अ मॉकिंग टोन। ऑल आई विल गेट इज अ पेयर ऑफ शूज एंड अ हैंड निटेड पुलओवर। I had asked for a table tennis set, but my mother said it is totally out of the question this year. तो ये जो है अपने friend मूक को, ये जो लड़का है जो खुद अपनी story बता रहा है, उसका नाम है रोहन, और वो अपने friend को जिसका नाम है मूक उससे कह रहा है कि मेरा ये birthday तो बहुत ही fantastic होने वाला है, और बिल्कुल mocking tone में कह रहा है। What is the meaning of mocking tone? ताना मारते हुए या किसी की हम खिंचाई करते हैं उस तरीके से, हाँ हाँ बहुत अच्छा बर्थडे होने वाला है और मुझे जो मिलने वाला है वो है सिर्फ एक पेयर ऑफ शूज और एक हैंड निटेड पुल ओवर। हैंड निटेड पुल ओवर यानी जो हम शोल्डर पे पहनते हैं ना, शॉल टाइप, दुपट्टा टाइप, या एक जो हल्का सा नॉर्मली कान के पास ढकने का यूज होता है ठंडी के सीजन में, बिल्कुल उसी तरीके का पुल ओवर, हैंड निटेड, जो हाथ से बुना हुआ है। तो मुझे जो मिलने वाला है वो सिर्फ इतना ही मिलने वाला है। मैंने तो टेबल टेनिस सेट के लिए भी बोला था, लेकिन मम्मी ने कहा इट इज टोटली आउट ऑफ द क्वेश्चन दिस ईयर, यानी कि इस साल तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता है, तो बहुत ही फैंटेस्टिक बर्थडे होगा, जो चीज मुझे चाहिए वो तो मुझे मिल नहीं रही है। तो वो इस टोन में ये कहना चाह रहा है। सो रोहन इज सेइंग ऑल दिस थिंग्स टू मूक। तो अब मूक बेचारा क्या कर रहा है, वो क्या कहता है, वो मेरी तरफ थोड़ा थॉटफुली देखता है, मतलब मूक रोहन की तरफ थॉटफुली देखता है। माई फ्रेंड मूक लुक्ड एट मी थॉटफुली, ही ड्रू अ बिट क्लोजर एंड सेड, वो थोड़ा सा मेरे और करीब आया और उसने कहा, वेल रोहन आई डोंट से आई बिलीव इन इट, बट माई कजिन सेड इट वर्क्स एंड देयर इज नो हार्म ट्राइंग, डोंट यू थिंक। तो वो कहता है कि वेल रोहन, कुछ सोचते हुए कहता है, थोड़ा और पास में आके मेरे मुझे कहता है कि रोहन मुझे ये तो नहीं पता कि मैं इसमें बिलीव करता हूँ या नहीं करता हूँ, बट मेरा कजिन कहता है कि ये चीज़ काम करती है और ये चीज़ ट्राई करने में कोई हानि भी नहीं है, कोई हार्म भी नहीं है। अब क्या चीज, रोहन पूछता है, ट्राइंग व्हाट आई आस्क्ड, क्या चीज है ना, क्या करने में हानि नहीं है, और किस चीज में वो बिलीव करता है या नहीं करता है मूक, और किस चीज में उसका कजिन बिलीव करता है। तो वेल माय कजिन सेड इफ यू रियली वांट समथिंग बैडली ऑल यू हैव टू डू इज टू रन अराउंड अ बैनियन ट्री एट मिडनाइट एंड चैंट 17 टाइम्स उनके मुनके टिम्पे 2। तो ये कहता है, मूक कहता है रोहन से कि मेरा जो कजिन है वो क्या कहता है कि अगर आपको कोई चीज एकदम सीरियसली चाहिए, पागल हो उस चीज के पीछे और वो आपको चाहिए ही चाहिए, तो आपको क्या करना है, आधी रात को यानी 12 बजे आधी रात को 17 बार चक्कर लगाना है, एक बैनियन ट्री का 17 बार चक्कर लगाना है और कहना है उनके मुनके टिम्पे 2, 17 बार ऐसे चक्कर लगाते हुए कहना है उनके मुनके टिम्पे 2। नाउ आई डेस्परेटली वॉन्टेड माई विश टू कम ट्रू, स्टिल आई आस्क्ड वाई 17 टाइम्स एंड वाई एट मिडनाइट। अब मुझे तो सच में, मैं सीरियसली मैं चाहता था कि मेरी विश जो है सच हो जाए, और फिर भी मैंने पूछा कि 17 बार ही क्यों गोल घूमना है, 18 बार नहीं, 20 बार नहीं, या 16 बार नहीं, 17 बार ही क्यों गोल घूमना है, और मिडनाइट को ही क्यों, दिन में क्यों नहीं। सो डोंट आस्क मी, रिप्लाइड मूक हु वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, दिस इज हाउ इट इज डन आई सपोज, वाई नॉट ट्राई इट, इट वुड नॉट डू एनी हार्म।
तो वो मूक कहता है कि मुझसे मत पूछो, जो मेरा मूक मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो मुझे कह रहा है मुझसे मत पूछो 17 बार क्यों। ये इसी तरह से किया जाता है, अगर तुमको करना है तो ये कर सकते हो और ट्राई करने में कोई हार्म तो नहीं है, हानि तो नहीं है, हमको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा 17 बार घूमने से उनके मुंह के टिमपिटू बोलने से। आई थॉट इट वॉज ऑल नॉन सेंस, बिसाइड्स आई कुडंट थिंक ऑफ एनी बैनियन ट्री इन अवर नेबरहुड। तो मुझे तो लग रहा था कि ये सब नॉन सेंस है और कोई मुझे आसपास में कोई बैनियन ट्री तो मेरे नजर में आ नहीं रहा था कि हमारे नेबरहुड में कोई बैनियन ट्री है। एक है, देयर वॉज वन इन ओल्ड मिसेस ग्रोवर्स गार्डन, बट हु डेयर टू एंटर हर गार्डन। एक है बैनियन ट्री जो हमारे ओल्ड मिसेस ग्रोवर है उनके गार्डन में है, लेकिन उनके गार्डन में जाने की हिम्मत करेगा कौन? हु विल डेयर टू एंटर हर गार्डन? नॉट मी, मैं तो नहीं जाऊंगा उसके गार्डन में। एंड नॉट एट मिडनाइट, और वो भी आधी रात को उसके गार्डन में, मैं दिन में भी ना जाऊं तो आधी रात तो दूर की बात है। मिसेस ग्रोवर हैड बीन द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल टिल लास्ट ईयर। अब मिसेस ग्रोवर कौन है उसके बारे में बता रहे हैं। मिसेस ग्रोवर उनके स्कूल की प्रिंसिपल थी लास्ट ईयर तक, इस साल मतलब रिटायर हो गई है वो, लास्ट ईयर तक उनके स्कूल की प्रिंसिपल थी। एंड वन लुक फ्रॉम हर प्योरसिंग पेल ग्रीन आईज वॉज इनफ टू साइलेंस बुलीज लाइक रिंकू लाल ऑफ क्लास 10। और उसकी आंखें कैसी थी, यहाँ पे उनके आईज का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आंखें कैसी थी, पेल ग्रीन कलर की आंखें थी, हल्के हरे रंग की, और वो एक लुक उन आंखों से देख लेती थी ना तो उनको देखकर जो ज्यादा उस्ताद बनते हैं लड़के, जो ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं, डोमिनेट करते हैं, सबको चिढ़ाते हैं, पकड़ते हैं, मारते हैं, बुलीज, उसको कहते हैं बुलीज, यानी जो दूसरों की खिंचाई करते हैं, दूसरों के ऊपर अपनी ताकत का धौंस जमाते हैं, उन्हें हम बुलीज कहते हैं। इंग्लिश में अगर उसका मीनिंग चाहिए तो अ पर्सन हु हैबिचुअली सीक्स टू हार्म और इंटिमिडेट दोज होम दे परसीव एज वल्नरेबल, मतलब अपने से कमजोर लोगों के ऊपर अपना दम आजमाना, ऐसे लोगों को बुलीज कहते हैं। तो रिंकू लाल 10th का लड़का था, वो बहुत ही इसी टाइप का लड़का था, बुली था। लेकिन वो जब मिसेस ग्रोवर उसको अपने हरी आंखों से, हल्की हरी आंखों से देखती थी तो उसको चुप करने के लिए वो एक नजर ही काफी थी, मैम को कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। होता है ना कभी कभी कोई ऐसे टीचर्स होते हैं या ऐसे हमारे जो एल्डर मेंबर्स होते हैं घर के, कि उनको देख के ही हमें डर लगता है, उनकी नजर से ही हमें डर लगता है। आई हैड सीन इट हैपन विथ माई ओन आईज, और मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैंने ये खुद अपनी आंखों से देखा है कि रिंकू लाल कैसे उनको देखते ही चुप हो जाता है, या जब जैसे ही वो रिंकू लाल को देखते हैं वो एकदम शांत हो जाते हैं। तो ऐसे मिसेस ग्रोवर के घर पे रात को, आधी रात को मैं तो नहीं जाऊंगा। तो यहां तक देखो हमने ये लेसन किया है, ऊपर भी था हमने बहुत सारे जो है मैं बता देती हूँ आपको। देखो स्टार्टिंग से ही है ये सारे, आपको ओपन इन्वर्टेड कॉमाज एंड क्लोज इन्वर्टेड कॉमाज, यहाँ कॉमा है तो ये आप पूरा का पूरा जो है आपका इसके लिए आ जाएगा, पंक्चुएशन मार्क्स के लिए ये पूरा पैराग्राफ। ऑल आई विल गेट इज अ पेयर ऑफ शूज एंड अ हैंड नेटेड पुलओवर, ये इस तरीके से तो आप देख सकते हो, टेक्स्ट बुक तो आपके पास होगी। ट्राइंग वॉट आई आस्ट, ये भी इस टाइप के सेंटेंसेस ज़्यादा करके दे सकते हैं, जैसे जहाँ पर बीच में कॉमा आ जाता है। देखो ये डबल इन्वर्टेड है, यहाँ पे सिंगल है, और फिर बाद में यहाँ सिंगल एंड होके डबल इन्वर्टेड कॉमाज आ गया है। तो इस टाइप के ये ना थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं। फॉरगेट इट आई सेड, हाउएवर द थॉट केप्ट हॉन्टिंग मी टिल द डे बिफोर माई बर्थडे एंड आई जस्ट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग हेल्स। तो मैंने कहा ठीक है भूल जाओ, जाने दो, मैं तो नहीं जाने वाला वहां पे। मैंने उसको मुख को तो बोल दिया फॉरगेट इट, लेकिन वो जो थॉट है मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था। इट वॉज हॉन्टिंग मी टिल द डे बिफोर माई बर्थडे, मेरे बर्थडे के पहले दिन तक वो मेरे दिमाग में घुसा हुआ बार बार उभर के आ रहा था कि अरे मुझे टेबल टेनिस सेट चाहिए तो मुझे ओल्ड मिसेस ग्रोवर के घर पे वो राउंड मारने पड़ेंगे। एंड आई जस्ट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, मुझे तो टेबल टेनिस चाहिए था इसलिए उस चीज़ के अलावा मुझे और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। ओके आई सेड टू मूक, तो ठीक है मैंने कहा मूक को, ठीक है तुम जैसा बोलते हो हम वैसा करेंगे। इफ यू कम अलॉन्ग विथ मी आई विल गो टू मिसेस ग्रोवर्स गार्डन टू नाइट एंड डू इट, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं आज ओल्ड मिसेस ग्रोवर के घर जाऊंगा और वो वैसा जैसे तुमने कहा है वैसा करूंगा। व्हाई शुड आई कम अलॉन्ग आस्क्ड मूक, आई हैव नो सीक्रेट विश। तो अब मूक भी डरता है मिसेस ग्रोवर से, तो वो कहता है मैं क्यों आऊं तुम्हारे साथ, मेरी तो कोई सीक्रेट विश नहीं है, विश तो तुम्हारी है, तुमको चाहिए टेबल टेनिस से।
कम ऑन लेट अस गो एंड विश फॉर माई टेबल टेनिस सेट। तो वो बोलता है कम ऑन यार, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम भी चलो मेरे साथ और मेरे लिए टेबल टेनिस सेट के लिए मेरे साथ तुम भी विश करो। सो एट 10 minutes to 12 मूक एंड आई मेट एट द बैक ऑफ ओल्ड मिसेस ग्रोवर्स गार्डन। तो कब हम मिले? सो एट 10 minutes to 12, जब 12:10 बाकी था। 12 minutes to 10 यानी कि 2:10 मतलब 12 बजने के लिए 10 मिनट बाकी होना, तो दैट इज 11:50। ये टाइम अगर हम करें 10 minutes to 12, दिस इज 11:50 रात के PM। एंड आई मेट एट द बैक ऑफ ओल्ड मिसेस ग्रोवर्स मतलब मूक और मैं हम ओल्ड मिसेस ग्रोवर के गार्डन के पीछे की तरफ मिले। वी क्लाइम्ड एंड सेट ऑन द बाउंड्री वॉल। तो गार्डन के आजू बाजू पूरा बाउंड्री वॉल था, वहां पर हम चढ़ के बैठ गए बाउंड्री वॉल के ऊपर। वी लुक्ड डाउन इन टू द गार्डन विच ले डार्क एंड साइलेंट इन द डिम लाइट ऑफ द मून। हम लोगों ने देखा गार्डन को, तो गार्डन एकदम डार्क दिख रहा था, अंधेरा एकदम था, साइलेंट था, और मून लाइट में एकदम शांत जो है दिखाई दे रहा था। एंड देयर वॉज अ बैनियन ट्री, और वहां पर एक बैनियन ट्री थी। इट्स एरियल रूट स्विंग इन द जेंटल ब्रीज ऑफ द नाइट। वी जम्प्ड डाउन रीच द ट्री एंड लुक्ड अराउंड केयरफुली। और उसके जो एरियल रूट्स थे, एरियल रूट्स मतलब जो झाड़ से लटकते रहते हैं लंबे लंबे रूट्स, उन्हें हम एरियल रूट्स कहते हैं। अब नीचे पिक्चर आएगा उसका, मैं आपको बताऊंगी एरियल रूट्स। और वो एरियल रूट्स खाली जो है हवा में, ब्रीज में स्वे हो रहे थे, यहाँ से वहाँ हिल रहे थे। एंड वी जम्प्ड डाउन रीच द ट्री, हम वहाँ से कूदे दीवार से ट्री के पास पहुँचे। एंड लुक्ड अराउंड केयरफुली, और आजू बाजू में केयरफुली देखे कि कहीं कोई है तो नहीं, कोई हमें देख तो नहीं रहा है। इमेजिन इफ शी इज अवेक, आई विस्पर्ड एंड पॉइंटेड एट मिसेस ग्रूवर्स हाउस। अभी लोग तो गार्डन में थे ना पीछे की तरफ, तो अब रोहन जो है वो बोलता है सोचो अगर वो जाग रही हो तो, अगर मिसेस ग्रोवर जाग रही हो तो। इमेजिन, इमेजिन मतलब सोचो, अगर वो जाग गई तो, अगर वो जागी है तो। आई विस्पर्ड एंड पॉइंटेड एट मिसेस ग्रोवर्स हाउस, और मतलब रोहन ने क्या किया, थोड़ा सा विस्पर धीरे से बात किया मूक से कि अगर वो जाग गई तो, और मिसेस ग्रोवर के घर की तरफ उसने पॉइंट आउट किया। नोबडी इज अवेक एट दिस घोस्टली आर ऑफ द नाइट, हिस्ट मूक, नाउ गेट गोइंग रन। तो मूक कहता है, वो भी बेचारा डरा हुआ है, तो वो कहता है अरे रात को कौन जागेगा इस भूतिया टाइम में। घोस्टली आर कहते हैं ना 12 o'clock midnight, दैट इज द घोस्टली आर, कि इतने रात को 12 बजे कौन जागने को बैठा है, कौन सा भूत यहाँ पे आने वाला है, तुम फटाफट तुम्हारे राउंड्स करो, चलो चलो भागो। आई रैन एज फास्ट एज आई कुड चैंटिंग उनके मुनके चिंपे टू, आई विश माई विश इज कमिंग ट्रू। तो मैंने भागना चालू कर दिया। I ran as fast as I could, मैं भागा जितना तेज हो सकता था उतना तेज भागा, और क्या बोलते गया साथ साथ में, उनके मुनके टिम्पे टू, आई विश माई विश इज कमिंग ट्रू। सो दिस वॉज द लाइन ही स्टार्टेड चैंटिंग कंटिन्यूसली वाइल रनिंग अराउंड द ट्री ओवर एंड ओवर अगेन, है ना, उनके मुनके टिम्पे टू, आई विश माई विश इज कमिंग ट्रू। आई फेल्ट अ बिट स्केर्ड, और मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, दैट वॉज वाई आई ट्राइड टू गेट इट ओवर क्विकली एंड इंक्रीज्ड माई स्पीड, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं फटाफट से ये राउंड्स खत्म कर देता हूँ, और इसीलिए मैंने अपनी स्पीड भी बढ़ा दी ट्री के आजू बाजू में भागने की। आई इंक्रीज द चैंटिंग टू, और जो मैं चैंट कर रहा था उनके मुन के टिम्पे टू, आई विश माई विश इज कमिंग टू, वो भी मैंने बढ़ा दिया। एंड ऑल द वाइल आई वेंट ऑन लिसनिंग टू द साउंड्स ऑफ द नाइट, अ क्रैकल हियर अ स्विश देयर। एंड ऑल द वाइल मतलब पूरा समय मैं जब ये चैंट करते करते घूम रहा था, तो उस वक्त मैं अपने आसपास में जो भी आवाजें आ रही थी वो भी सुन रहा था, जो विस्पर हो रहा था आजू बाजू में, जैसे हवा चल रही थी तो हवा से लीव्स भी आपस में टकरा रहे थे तो स्विश का आवाज हो रहा था, कहीं पर अगर जो पत्ते नीचे गिरे हुए हैं वो उड़ रहे थे तो वो क्रैकल का आवाज आ रहा था, तो ये सब आवाजें आ रही थी आसपास से, लेकिन मैं तो फटाफट भाग रहा था ये सब आवाजें सुनते सुनते और अपने विश बोलते हुए। तो ये देखो, ये रहा उनके मुनके टिम्पे टू, ये भाग रहा है रोहन, ये मूक यहाँ पे खड़ा है साइलेंटली, और ये जो है ये, दीज आर एरियल रूट्स। सडनली अ फिरोशियस बार्क टोर द स्टिलनेस ऑफ द नाइट, आई फ्रोज, और अचानक से एक डरावने बार्किंग की आवाज आई, और रात में जो शांति थी वो जो शांति को भंग कर दिया, रात की जो शांति एकदम काम था ना, एकदम क्वाइट था रात, तो एकदम से एक भौंकने की आवाज से पूरा साइलेंस जो है चीर गया। आई फ्रोज, मैं तो मानो जैसे जम गया वहीं के वहीं खड़े खड़े, जैसे ना मूव कर पा रहा हूं ना कुछ।
इनसाइड मिसेस ग्रूवर्स हाउस लाइट्स फ्लैश्ड ऑन, और मिसेस ग्रूवर के घर के अंदर लाइट्स चालू हो गई, एंड द बैक डोर वॉज पुश्ड ओपन, और उनके घर के जो पीछे का डोर है बैकयार्ड का वो खुला. हु इज देयर कॉल्ड मिसेस ग्रूवर, आंसर और आई विल सेंड द डॉग एट यू. मतलब मिसेस ग्रूवर आ गई बाहर, उन्होंने कहा कौन है वहां पे, जवाब दो नहीं तो अभी अपने कुत्ते को तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगी. मूक मूक आई मम्बल्ड से समथिंग, तो मैंने मूक को आवाज दिया, अरे मूक मूक कुछ तो बोल, अभी क्या कर रहे, मिस आ गई. बट मूक वॉज क्लाइंबिंग अप द ट्री, लेकिन मूक तो डर के मारे ट्री के ऊपर ही चढ़ने लग गया. वेन आई सॉ मिसेस ग्रूवर्स बेंड डाउन टू अनलीश द डॉग, आई प्लीडेड प्लीज डोंट सेंड द डॉग एट अस, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इफ यू लेट मी. लेकिन जब ओल्ड मिसेस ग्रूवर नीचे झुकी डॉग का चेन खोलने के लिए, अनलीश द डॉग, अनलीश मीन्स टू ओपन द चेन, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, आई प्लीडेड, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया प्लीज प्लीज डॉग को मत भेजो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा सच सच अगर आप मुझे मौका दोगे तो, इफ यू लेट मी. स्पीक आउट सून मिसेस ग्रूवर शाउटेड, तो मिसेस ग्रूवर ने कहा बोलो जल्दी से. आई टोल्ड हर एवरीथिंग, और मैंने उनको सारी बातें बता दी कि ये मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे ये चीज़ें मिलने वाली है, लेकिन मुझे चाहिए टेबल टेनिस सेट. मेरे फ्रेंड मूक ने मुझे बताया कि अगर मैंने बेनियन ट्री के चारों तरफ 17 राउंड मारे आधी रात को ये बोलते हुए उनके मुन के टिमपिटू, तो शायद मेरी विश पूरी हो जाएगी. तो मैंने सारी बातें उनको बता दी. आई फियर्ड शी माइट नॉट बिलीव मी, और मुझे डर लग रहा था कि वो मेरी मुझे बिलीव नहीं करेगी, क्योंकि पहले बार में अगर कोई किसी को बोले तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा. बट शी लिसन टू मी विदाउट इंटरप्शन, लेकिन उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी बिना बीच में बोले, बिना दखल दिए. शी जस्ट लुक्ड एट मी विद द हार्ड लाइट ग्रीन आईज ऑफ हर्स एज इफ शी वॉज ट्राइंग टू सी राइट इन टू माई हार्ट, और वो सिर्फ मेरे तरफ देख रही थी अपने आंखों से, हल्के ग्रीन आंखों से मेरी तरफ देख रही थी एज इफ वो मेरे दिल में झांकना चाहती हो कि मैं क्या कह रहा हूँ. तो शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू अंडरस्टैंड वॉट माई हार्ट वॉज एक्चुअली सेइंग. तो मतलब वो मिसेस ग्रूवर जो है बहुत शार्प थी, देख रही थी कि वो लड़का वाकई में सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है. सो शी आस्क्ड फाइनली, एंड यू बिलीव इन उनके मुनके टिम्पिटू, डू यू थिंक इट विल हेल्प. आई ड्रॉप्ड माय हेड एंड सेड सॉफ्टली, आई होप इट विल. तो वो मुझे पूछती है, सारी मेरी बात सुन ली मिसेस ग्रूवर ने, और फिर अब मुझे पूछती है तो क्या तुम यकीन करते हो उनके मुनके टिम्पिटू पे, तो क्या तुम्हें पता लगता है कि वो वाकई में तुमको हेल्प करेगा तुम्हारी विश पूरी करने में. तो जब उन मिसेस ग्रूवर ने मुझसे ऐसे पूछा तो रोहन ने क्या किया, रोहन ने अपना सर झुकाया और एकदम सॉफ्टली उसने कहा कि हाँ लगता तो है कि वो पूरा करेगा उनके मुन के टिम्पिटू मेरी विश. सो वेल शी रिटर्न, इफ यू बिलीव सो गो एंड फिनिश योर राउंड्स, शी टर्न सेम. तो फिर उसने कहा ठीक है ओके, वो वापस जाने लग गई, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुमको बिलीव है तो तुम चलो अपने राउंड्स पूरे कर लो. शी टर्न्ड सेइंग, और फिर ये बोलकर वो टर्न हो गई वापस से अपने घर की तरफ जाने के लिए, हाउस की तरफ जाने के लिए. एंड व्हाइल लीविंग वुड यू माइंड यूजिंग द फ्रंट गेट, और जाते जाते ये बोल के गई जाने के समय में प्लीज आगे का फ्रंट गेट यूज करके जाना, पीछे से फेंस क्रॉस करके मत जाना. मतलब वो इस तरह से बोली कि तुम अगर जाना चाहो तो फ्रंट गेट यूज कर सकते हो. वुड यू माइंड यूजिंग, मतलब तुम ये फ्रंट गेट यूज करो. आई डिड फिनिश द रिमेनिंग 6 राउंड्स एंड लेफ्ट हर गार्डन यूजिंग द फ्रंट गेट. आई स्वोर दैट आई वुड नेवर रिटर्न. तो मैंने जो मेरे रिमेनिंग 6 राउंड्स थे, मतलब 17 राउंड्स मारने थे, 11 उसने मिसेस ग्रूवर आने के पहले मार लिए थे, और अब 6 राउंड्स बचे, 6 राउंड्स भी उन्होंने कर लिए. और फिर मैंने स्वेर कसम खाई, आई स्वोर, मैंने कसम खाई दैट आई वुड नेवर रिटर्न, मैं अब कभी रिटर्न नहीं होऊंगा. एंड देन द ग्रेट मोमेंट केम, और फिर बाद में जो ग्रेट मोमेंट आया यानी कि मेरा बर्थडे वाला दिन, आई ओपन्ड माई गिफ्ट्स, रिजॉइस्ड ओवर माई न्यू पेयर ऑफ शूज एंड द हैंड निटेड पुलओवर, एंड देन माई आईज फेल ऑन अ पार्सल, अ बिग पार्सल. मैंने सारे गिफ्ट्स खुशी खुशी अपने ओपन किए, मुझे न्यू पेयर ऑफ शूज मिला, हैंड निटेड पुलओवर भी मिला, एंड फिर मेरी आंखें जो है एक पार्सल की तरफ गई, मेरी नज़र जो है एक पार्सल की तरफ गई, एक बड़ा सा पार्सल था. आई हैड नेवर रिसीव्ड सच अ बिग पार्सल अर्लियर.
आज तक तो मैंने कभी इतना बड़ा पार्सल मुझे मिला नहीं, मैंने कभी रिसीव नहीं किया मेरे बर्थडे पे। टू रोहन खन्ना आई रेड फ्रॉम उनके मुनके टिम्पे टू, और उसके ऊपर क्या लिखा था, टू रोहन खन्ना, रोहन खन्ना ये जो नरेटर है जो स्टोरी का वो है, और उसने फिर आगे पढ़ा फ्रॉम उनके मुनके टिम्पे टू, यानी किसने दिया है उनके मुनके टिम्पे टू, उनके मुन के टिम्पे टू के वहां पर उसने 17 राउंड्स मारे थे ना बैनियन ट्री के पास, तो उन्होंने लाके दिया। तो डू यू बिलीव क्या ऐसा कुछ होता है। आई स्टेयर्ड एट मूक एंड ही लुक्ड एज सरप्राइज्ड एज आई वाज, तो मैं मूक की तरफ देख रहा हूँ और मूक मेरी तरफ देख रहे हैं, हम दोनों भी सरप्राइज्ड है कि ये कैसे हो सकता है उनके मुन के टिम्पे टू, हमने तो ऐसे ही किया था, क्या वाकई में कोई है उनके मुन के टिम्पे टू। माय मदर आस्क्ड हु इज उनके मुन के टिम्पे टू, Isn't that an unusual name? तो मेरी मम्मी ने भी मुझसे पूछा कि अरे उनके मुनके टिम्पे टू कौन है, ये थोड़ा अजीब नहीं है नाम। Yes, I said, very unusual indeed. तो मैंने भी कहा हाँ हाँ थोड़ा सा अलग ही है ये नाम तो। I bent over the parcel and began to unpack it. तो मैं पार्सल की तरफ झुका और उसको धीरे से खोलने लगा। I removed the strings. Strings मतलब जो थ्रेड बांधे हुए रहते हैं ना, लेस टाइप। एंड द पेपर इम्पेशेंटली, और जो पेपर था ऊपर का वो पेपर मैंने इम्पेशेंटली मतलब बहुत ही बेचैन था देखने के लिए क्या है अंदर, उनके मुनके टिम्पे टू ने क्या दिया है मुझे। फाइनली आई रिमूव द कलरफुल गिफ्ट रैपिंग, और ये जो कलरफुल गिफ्ट रैपिंग था मैंने पूरा निकाला। एंड फाउंड अ टेबल टेनिस सेट, मतलब जो उसे चाहिए था वो उसे मिल गया। इट वॉज नॉट अ ब्रांड न्यू टेबल टेनिस सेट बट इट वॉज अ फैबुलस वन, ब्रांड न्यू नहीं था लेकिन बहुत ही सुपर्ब था, फैंटेस्टिक था, वाओ। आई विस्पर्ड जस्ट वाओ। अब ये देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ रहा है ओपन इन्वर्टेड कॉमर्स में, पंक्चुएशन ये लाइन का देखो किस तरीके से क्या हुआ, इवन ये वाला येस आई इंडीड आई सेड वेरी अनयूजुअल इंडीड। तो इस टाइप के सेंटेंसेस आपको ध्यान में रखना है। सो फैबुलस वन, तो वो क्या कह रहा है, वाओ आई विस्पर्ड जस्ट वाओ, मैंने सिर्फ इतना ही कहा वाओ, सिर्फ यही कहा ना वाओ, क्योंकि उसे वही चीज़ चाहिए थी। आपको भी जो चीज़ चाहिए होती है और बर्थडे पे अगर आपको मिल जाती तो सबसे पहला वर्ड आपके भी यही निकलेगा, वाओ। टिल टुडे मूक स्वियर्स ही हैज नथिंग टू डू विथ इट एंड सो डू माई पेरेंट्स। आज तक मैं सोच रहा हूँ कि वो गिफ्ट मुझे किसने दिया, कहीं मूक ने तो नहीं दिया, लेकिन मूक तो कसम खा चुका है कि नहीं उसने तो मुझे नहीं दिया। पेरेंट्स से पूछा तो पेरेंट्स ने भी कहा कि उनको इस गिफ्ट से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने भी नहीं दिया। आई वंडर्ड इफ ओल्ड मिसेस ग्रोवर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सरप्राइज, क्योंकि मूक मेरे पेरेंट्स के अलावा अगर किसी को पता था कि मुझे टेबल टेनिस सेट चाहिए तो वो थी मिसेस ग्रोवर, क्योंकि मैंने उनको बताया था। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ, आई वंडर्ड कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कहीं उन्होंने तो मुझे ये नहीं दिया, कहीं वो तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस गिफ्ट के पीछे। आई वंडर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक मैं सोचता रहा, और फिर एक दिन मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई एंड उनसे मिलने गया, है ना। वन डे आई गैदर्ड अप ऑल द करेज आई पोजेस्ड एंड वेंट टू मीट मिसेस ग्रोवर, सारा करेज मैंने गैदर किया और मैं उनसे मिलने गया। आई यूज द फ्रंट गेट एंड रेंग द बेल, और इस बार मैं पीछे से नहीं गया, बैक गेट से नहीं गया, मैं फ्रंट गेट से गया और मैंने बेल बजाई। I had gone over my lines 100 times, but when she looked down on me with her pale green eyes, I felt my heart sink and my courage vanish, and all I could do was stutter like an idiot. तो मैं जब फ्रंट गेट से मैंने बेल फ्रंट गेट से एंटर होके मैंने बेल बजाई और फिर उसके बाद में मैं पूरी तैयारी के साथ वहां गया था ना, मैंने मेरी लाइन्स जो मुझे मिसेस ग्रोवर से बात करनी थी वो मैंने हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स रट लिया था, बोल बोल के कि मैं मिसेस ग्रोवर के सामने बोलूंगा। लेकिन जैसे ही मिसेस ग्रोवर ने दरवाजा खोला, उन्होंने अपनी हल्की ग्रीन आंखों से मुझे देखा, तो मेरा दिल जो है मानो जैसा बैठ ही गया। आई फेल्ट माई हार्ट सिंक मतलब मेरा दिल बैठ गया, एंड माई करेज वैनिश, और मेरी सारी जो हिम्मत थी जो मैं जुटा कर आया था उनके पास में वो सब गायब हो गई। And all I could do was stutter like an idiot. और मैं जो सिर्फ जो कर पा रहा था वो रहा था एक idiot के जैसे हकला रहा था, मतलब एक clearly एक sentence भी नहीं बोल पा रहा था। तो और क्या हकला रहा था देखो यहाँ पे,
गुड आफ्टरनून मैडम, डू यू, आई मीन डिड यू, हैव यू, सॉरी, बट डू यू बिलीव इन उनके मुनके टिम्पिटू। तो ये सिर्फ उसको यही पूछना था, मैम डू यू बिलीव इन उनके मुनके टिम्पिटू। तो उसको देखो उसने कितना हिचकिचाया, कितना उसने बोलने के लिए हिचकिचाया। मिसेस ग्रोवर कंटिन्यूड टू लुक एट मी विथ अ स्ट्रेंज लुक इन हर आईज। अब मिसेस ग्रोवर वापस से मेरी तरफ देख रही है, वही स्ट्रेंज लुक, एकदम अजीब सा लुक था उनके आंखों में। शी रिप्लाइड सॉफ्टली बट सीरियसली, और फिर उन्होंने रिप्लाई किया सॉफ्टली, धीरे से लेकिन सीरियस होके कहा, जैसे मानो वो बिल्कुल सच कह रही हो, येस आई डू बिलीव इन उनके मुनके टिम्पिटू। तो क्या कहा मिसेस ग्रोवर ने, येस वो बिलीव करती है उनके मुनके टिम्पिटू पे। आई हैड विश टू हैव समबडी ओवर फॉर टी टूडे, मैंने तो सिर्फ एक सोचा था कि कोई ना कोई तो आ जाएगा चाय के लिए, मैंने विश किया था आज, मांगा था मैंने कि मुझे आज कोई आ जाए मेरे साथ चाय पीने के लिए, मुझे कंपनी देने के लिए, एंड हियर यू आर, और लो तुम आ गए। नाउ इजंट इट अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ उनके मुनके टिम्पिटू, तो क्या ये परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, मैंने विश मांगी और तुम आ गए तो मेरी विश पूरी हो गई। शी स्माइल्ड एंड शी लुक सो डिफरेंट, ऑलमोस्ट ह्यूमन, और उन्होंने मुझे देखकर स्माइल किया और वो इतनी डिफरेंट लग रही थी उस स्माइलिंग फेस में, ऑलमोस्ट ह्यूमन। अब ये देखो ये जो चीज लिखी है ना ऑलमोस्ट ह्यूमन, ये एक टाइप का एक व्यंग है, जैसे मानो इससे पहले वो हमेशा कोई राक्षस ही दिखता हो। अब नेचुरली हम जिससे डरते हैं तो हमें वो राक्षस के बराबर ही दिखते हैं, लाइक डेविल ओनली, वी फील दैट दे आर लाइक डेविल्स ओनली, तो हम जिससे डरते हैं वो हमें डेविल ही लगते हैं। तो कभी अगर वो अच्छे से हंस के हमसे बात कर ले, प्यार से बात कर ले, तो अरे आज सूरज कहाँ से होगा, हम ऐसा सोचते हैं। तो वो उनकी स्माइल को देखकर ये बच्चे बोले, बेचारे ऑलमोस्ट ह्यूमन, एकदम इंसानों जैसी लग रही थी वो, अब तक हमको डर लगता था उनसे लेकिन आज वो हमें एकदम इंसानों जैसी लग रही थी। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मोक एंड आई वेंट टू सी ओल्ड मिसेस ग्रोवर क्वाइट ऑफन, और फिर उस दिन के बाद से हम लोग तो ओल्ड मिसेस ग्रोवर के पास क्वाइट ऑफन गए, नॉट ओनली बिकॉज शी मेड द बेस्ट टी एंड हैड द बेस्ट कुकीज, नो वी वेंट बिकॉज वी लाइक्ड हर, एंड देन वी हैड वन थिंग इन कॉमन, वी ऑल बिलीव्ड इन उनके मुनके टिम्पिटू। फिर उस दिन के बाद से मोक और मैं तो कई बार ओल्ड मिसेस ग्रोवर के घर जाते थे, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो सबसे बेस्ट टी बनाती थी, चाय बनाती थी और सबसे बेस्ट कुकीज हमको देती थी खाने के लिए, इसलिए हम नहीं जाते थे, बल्कि हम इसलिए जाते थे क्योंकि हम उसे पसंद भी करते थे, एंड हम सभी में, हम तीनों में एक चीज कॉमन थी, वो ये कि हम सब जो है उनके मुनके टिम्पिटू में बिलीव करते थे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है एक्सप्लेनेशन का, और आंसर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में देख सकते हो। और अगर आपको सीरियसली मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और ज़रूर से सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे वीडियो के लिए नए हैं, और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू।